रोक रही है कि निफ्टी मिलियनेयर फी एडवांस में क्यों चार्ज कर रही है, और अगर एडवांस में लेना है तो इंस्टॉलमेंट में क्यों नहीं ले रही है, पूरा फी पूरे साल का एक साथ ले रही है और यही चीज उनको रोक रही है। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? ओके, सो निफ्टी मिलियनेयर ने पहले दिन से कुछ चीजें में कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं किया है। सबसे पहले चीज प्राइसिंग। प्राइसिंग में आज तक जब से निफ्टी मिलियनेयर शुरू हुआ है, हर फेज में प्राइसिंग फिक्स रहता है। इन शॉर्ट, अगर 11,500 है या 12,900 या 13,500 है, वी हैड नेवर टेक अ 13,501 रुपीज या 13,600 रुपए या 13,499 रुपए। इन शॉर्ट, जो भी फेज में जो भी प्राइस है वो हमेशा हमारा फिक्स रहता है। सो लाइक वी आर आप ऐसा समझ लो कि हम फिक्स प्राइस की एक शॉप है। फिक्स प्राइस की शॉप में कस्टमर कभी भी लुटता नहीं है, बट जहां बार्गेनिंग करना होता है, हमने ऐसी फैक्टर्स ही हटा दिए जहां आपका टाइम वेस्ट हो और हमारा भी टाइम वेस्ट हो। इन शॉर्ट, हम ऐसे जगह टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां हम हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उनको मैक्सिमम रिवॉर्ड दे सके, इन टर्म्स ऑफ सर्विसिंग, इन टर्म्स ऑफ उनके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के बारे में, इन टर्म्स ऑफ उनके स्टॉक मार्केट में कोई भी हेल्प चाहिए उनको। सो वी ट्राई टू इन्वेस्ट अवर मैक्सिमम टाइम इन अ प्रोडक्टिविटी। सो हमने प्राइसिंग का पहले दिन से हटा दिया है, और आई कैन से इट इन वेरी ऑनेस्टली, और लाइक मुझे बहुत प्राउड फील होता है आज 2.5 या 3 साल के बाद की जर्नी के बाद, कि काफी बार हमने बहुत अच्छा बिजनेस लॉस किया है इसकी वजह से। बट वॉट काइंड ऑफ कस्टमर्स, वॉट काइंड ऑफ मेंबर्स वी हैड गॉट, दे हैव बीन इन अ लॉन्ग रन। इन शॉर्ट, हम 1 साल का इसीलिए मेंबरशिप लेते हैं 1 महीने का, जैसे मैंने बताया कि 1 महीने में कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है, ना ही आप मुझे समझ पाएंगे, ना ही आप अपने आप को समझ पाएंगे। सो 1 साल का हम इसीलिए लेते हैं, और 1 साल में भी हम कमिटमेंट देते हैं जो मेंबर्स, जो क्लब मेंबर्स आपको देते हैं, कि यू आर गोइंग टू गेट द 60% टिल योर मेंबरशिप विल कंटिन्यू, वेदर इट्स 1.5 ईयर और वेदर इट्स 1 ईयर, वी नीड इज अ मिनिमम। इन शॉर्ट, आपको जब तक 60% रिटर्न नहीं मिलता है तब तक आपकी मेंबरशिप कंटिन्यू रहती है। तो हमारा कमिटमेंट ये नहीं है कि फोर्सिबली आपको 1 साल में पूरा करना है मेंबरशिप, नहीं, क्योंकि दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, जो अभी तक मैंने बात किया। सो जब भी 60% रिटर्न कंप्लीट होगा या तो 1 साल पूरा होगा, तब आपकी मेंबरशिप कंप्लीट होगी। सो वी डोंट वॉन्ट टू यू नो फोर्स अवर सेल्फ ऑल्सो टू जनरेट द रिटर्न। और जैसे मैंने अभी बताया कि हमें अपॉर्चुनिटी के पीछे नहीं भागना है, अपॉर्चुनिटी वी शुड वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। सो वही अप्रोच के लिए हमने ये ईयरली मेंबरशिप रखा हुआ है, एंड आई थिंक वी आर लूजिंग विद एवरी मेंबर टिल वी आर नॉट मिनिमम 20,000 मेंबर्स। जब तक 20,000 मेंबर्स नहीं होंगे तब तक वी आर लूजिंग इन। अल्टीमेटली निफ्टी मिलियनर का फोकस ये नहीं कि 1,000 मेंबर बना ले, निफ्टी मिलियनर का फोकस है नेक्स्ट 5 ईयर्स में 10 लाख मेंबर्स बना ले। सो दैट इज दैट वॉट वी वॉन्ट टू बिल्ड द इंडियाज बिगेस्ट कम्युनिटी। और अगर मैं बात करूँ तो दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी, ट्रेडिंग कम्युनिटी बनानी है, और यही कम्युनिटी को देर आर लॉट्स ऑफ न्यू आइडियाज दैट विल यू विल सी इन 2016 एंड 2017। आई थिंक हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि द वे पीपल इन्वेस्ट इन द मार्केट, द वे पीपल ट्रेड इन द मार्केट, वी हैव टू चेंज टोटली। और वो चेंज ऐसा लाना है कि जो उनकी लाइफ, उनके ट्रेडिंग लाइफ, उनके वेल्थ जनरेशन और सब चीजों में हेल्प करे। इन शॉर्ट, हमारा फोकस नेक्स्ट 2 ईयर्स में ये है कि विद इन 5 मिनट्स यू कैन प्लान योर मनी, यू कैन इन्वेस्ट योर मनी एंड यू कैन स्टार्ट ग्रोइंग योर मनी इन 5 मिनट्स, दैट्स इट। सो दैट इज अवर अल्टीमेट गोल इन अ स्टॉक मार्केट। सो राइट नाउ इन लास्ट 2.5 ईयर्स वी आर लर्निंग फ्रॉम एवरी मेंबर्स की व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस दे हैव, उनकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या चीजें की वजह से लोग स्टॉक मार्केट में नहीं कमा सकते, कौन से साइकोलॉजिकल बायस होते हैं, वो सब चीजें हम सीख रहे हैं। और इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन अ लार्ज स्केल। सो उस टाइम मुझे लगता है कि जो आज 1,000 या 1,500 या 2,000 लोग जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, आने वाले कल में 10 लाख लोग एक्सपीरियंस करेंगे। सो दैट इज वॉट अवर अल्टीमेट एम इज। सो वी आर नॉट हियर टू मेक द मनी इन अ शॉर्ट टर्म, वी आर हियर टू मेक अ बिग मनी इन अ लॉन्ग टर्म, बट when you will grow we will grow. So our ultimate focus is all about you, ki how we can grow you, and I think you can see our like efforts and you can understand it what I am speaking right away. So hamara aaj ka interview karne ka bhi yahi aim tha ki aap logo ke jo questions hai aur jo myths hai stock market ke bare mein ya trading ke bare mein, usko hum kaise hata sake maximum tarike se. Aur I think hum aise activities aage jaake karte bhi rahenge, aur we will definitely invite lots of good people to you know share their wisdom with you also in the next 6 months or next 12 months. So now Abhishek, you can. Okay, thank you so much.